दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धर्मगढ़ की हत्या के बाद से फरार चल रहे ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने रविवार को मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। पहलवान के साथ उनके साथी अजय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि सुशील कुमार पर 1,00,000 रुपए और उनके साथी अजय पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। अब सुशील ने स्पेशल टीम के सामने कई अहम खुलासे किए हैं, जिनको सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। सुशील ने बताया कि उसको यकीन नहीं था कि मारपीट में सागर की मौत हो जाएगी। उसने पुलिस को बताया कि मारपीट के बाद वे घर आकर सीधा सो गया था। उसे नहीं पता था कि मारपीट इतनी ज्यादा हो गई है कि सागर अपनी जान गंवा देगा। जब सुशील को ये बात पता चली कि सागर की मौत हो गई है, तब से ही वे फरार चल रहा है। मारपीट कर घर आकर सो गया था, उसने ऐसा अपनी स्पेशल सेल की टीम को बताया, जिसके बाद से ही सुशील फरार है। वे इधर से उधर भटक रहा था, उसके पैसे खत्म हो गए थे। पैसे लेने के लिए सुशील दिल्ली आया था, जिस दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा। अगर इस दौरान भी पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रहती तो वह तुरंत वहां से पंजाब के लिए रवाना हो जाता। पुलिस ने सुशील को कार से पकड़ा। कार में सुशील अपने साथी अजय के साथ बैठा हुआ था। बता दें कि सुशील ने कई और भी अहम खुलासे किए हैं। सुशील ने बताया कि उसने अपने साथी प्रिंस को बोलकर ही सागर की पिटाई का वीडियो बनवाया था, जिससे वह बाकी पहलवानों में भी अपनी धाक जमा सके और बाकी के पहलवान भी सुशील के सामने कुछ बोलने से डर सकें। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये वीडियो उसके खिलाफ सबूत बनकर उभरेगा। सुशील को नहीं पता था कि सागर के साथ हुई मारपीट में उसकी मौत हो जाएगी। बदकिस्मती से सागर की मौत हो गई। इस केस में सुशील के ये अहम खुलासे काफी मायने रखते हैं। अब सुशील को थोड़ी देर में ही रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा।